जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करते हैं 25 अगस्त की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ पहले की वीडियोस आपने देख ली होंगी। आप आज 22 है और मैं 25 की वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स सी 25 अगस्त की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है 25 अगस्त को। 25 अगस्त की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है 25 अगस्त को। हमें क्या पता होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है 25 अगस्त को। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक स्पेशल कार्ड निकालना है 25 अगस्त का, तो लेट मी टेक आउट दैट आल्सो। एक स्पेशल कार्ड 25 अगस्त के लिए, जस्ट वन एक स्पेशल कार्ड 25 अगस्त के लिए इफ वी कैन गेट। ओके, सो वो मैं अलग रख लेती हूँ। अब देख लेते हैं भारत के लिए 25 अगस्त की एनर्जी, भारत के लिए 25 अगस्त की एनर्जी और दुनिया के लिए 25 अगस्त की एनर्जी। लटक गई दुनिया, लटक गई। ओके, और अब हमारी गाइडेंस देख लेते हैं 25 अगस्त के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। गाइडेंस फॉर 25 अगस्त 2023। वाओ, ओके, और लेट्स सी 25 अगस्त की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। तो 25 अगस्त की एनर्जी, सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड जो है वो बैलेंस बताता है। टेम्परेंस का कार्ड जो है वो अपने आप में, अपने पॉजिटिव नेगेटिव में, सन और मून में, सारी एनर्जीज में बैलेंस बताता है। और टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि वो विंग्स, जो एंजल विंग्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं जब आप कम्प्लीटली बैलेंस होते हो, या एंजल्स आर हेल्पिंग यू टू बैलेंस। और उसके साथ में ये कार्ड जो है ये जब आपका एक कदम बहुत आगे बढ़ जाए तब नेक्स्ट कदम जो है लेना, वो भी बताता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक साइकिल जो है उसको ये कार्ड ये अपने पैर से चेंज कर रहा है। बिकॉज अगर आप देखें तो इसने पैर के नीचे एक साइकिल जो है मून की, अगर यहाँ से चल रही है तो इसने पैर के नीचे उसको दबा के रखा है। तो अपने रास्ता और अपने इमोशंस दोनों को बैलेंस करना जो है बताता है। और यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर उसने अपने शू के नीचे एक साइकिल को रोक कर रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो भाग रहा है अपनी मोटरसाइकिल की तरफ। सो बैलेंस एंड देन सडन रश और सडन रन टूवर्ड समथिंग, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 25 को। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की एनर्जी जो है वो आपके इनर पावर की एनर्जी होती है, इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है, चीज़ों को समझने, चीज़ों को देखने की एनर्जी होती है, अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करने की एनर्जी होती है, अपने इनोसेंस और वाइल्ड सेल्फ को बैलेंस करने की एनर्जी होती है। और यहाँ पर लास्ट में 7 ऑफ कप्स है, क्योंकि बैलेंस के साथ ही आप चीज़ों को सही से समझ पाओगे और कहाँ पर क्या है, आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ शिफ्ट करनी है, कौन सी चीज़ उठानी है, उसको समझ पाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज इस तरह की लग रही हैं जहाँ पर बहुत ही एक तरह से जंबल एनर्जी लेकर आने वाला है 25 अगस्त का दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं अनक्लैरिटीज भी होंगी, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स भी होंगी। एक जगह आप रुकेंगे तो दूसरी जगह आपको भागना पड़ेगा। एक स्टेप जो है वो एक कदम जो है यहाँ होगा तो दूसरा कदम कहीं और होगा। प्रिपेयर भी करना पड़ेगा आगे के रास्ते के लिए, चुनाव भी करना पड़ेगा चीज़ों को सही तरीके के लिए। और यू विल सी द शिप्स कमिंग इन आल्सो, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स है। तो 7 प्लस 3 बाय द वे 10 की एनर्जी बनती है। और अगर ऊपर की एनर्जी आप देखेंगे तो 5 6 7 8 है और ये भी 8 है, तो ये 7 की एनर्जी भी बनती है पर, और टोटल फिर से 8 बन जाता है। 8 की एनर्जी एक साइकिल, एक लूप की एनर्जी होती है। और कहीं ना कहीं 8 का लूप जो होता है वो डेफिनेटली इन्फिनिट एनर्जी और इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। और यहाँ पर मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है कि जहाँ पर 25 अगस्त को इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही हैं। अगर आप बैलेंस्ड होंगे तो आपको पता होगा आपको कब भागना है, आपको कब रुकना है, अब आपको कैसे चुनाव करना है। और सही थॉट, सही चीज का चुनाव करेंगे तो अपॉर्चुनिटी या यू विल सी द शिप्स कमिंग इन, जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे हो उस चीज को होते हुए देखोगे। आपको प्रिपेयर्ड रहना है एक ट्रैवल के लिए, एक मोमेंटम के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे हो सकता है कि आप बस अपने घर में बैठे हुए हो 25 को आराम से, और सडनली कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आपको अचानक से भागना पड़े, अचानक से मूव करना पड़े, अचानक से कहीं जाना पड़े। तो लिटरली मुझे उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और 25 क्या है, फ्राइडे है, तो मतलब लिटरली उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप आराम से बैठे हो और अचानक से दौड़ भाग शुरू हो गई, अचानक से कुछ काम करने के लिए तेजी से भागना पड़ा और वहाँ पर चुनाव भी करना पड़ा। अब एक स्पेशल कार्ड मैंने निकाला था 25 अगस्त के लिए और ये देखिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर से 8 की एनर्जी। नाउ यू सी हाउ ब्यूटिफुल 8 इज़। और यहाँ पर लिटरली फिर से वो दो डिफरेंट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं बहुत क्लियर, क्योंकि अगर यहाँ
देखे तो वो फ्री है, और इमेज में देखे तो उसको बांधा हुआ है। किसने बांधा है? उसकी अपनी नेगेटिविटी, उसकी अपनी थॉट्स ने जिनको ब्लाइंड फोल्ड किया है। तो रिफ्लेक्ट करना और उस रिफ्लेक्शन के साथ आप चीज़ों को कैसे देखोगे और कैसे आगे लेकर जाओगे उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी एक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, अपने शू का ध्यान रखिएगा, चलते फिरते दौड़ते शू फट जाए, शू टूट जाए अचानक कहीं मार्केट में कहीं चलते हुए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा शू कोई ऐसा पहन के जाइएगा जो जल्दी टूटने वाला ना हो, कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ जूते उतारने हो तो जूते चोरी हो सकते हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। बट अदरवाइज मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशंस आपने बहुत ध्यान से करनी है, अपनी थॉट्स पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप स्टक फील करेंगे तो स्टक एनर्जी को इन्वाइट करेंगे, और अगर आप फ्री फील करेंगे तो फ्री एनर्जी को इन्वाइट करेंगे। चॉइसेस मैनिफेस्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज का दिन एक इन्फिनिट साइकिल क्रिएट करने वाला है और वो साइकिल इन्फिनिट चेंजेस लेकर आने वाला है। तो बैलेंस जरूर रखिएगा और अपने आप को समझदारी की एनर्जी में जरूर रखिएगा। एट नो पॉइंट शुड यू फील स्टक। नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में बिल्कुल मत आने दीजिएगा। अगर आप नेगेटिविटी को अपने आप इन्फ्लुएंस अपने आप पे हावी नहीं होने देंगे तो यू विल सी समथिंग वेरी वंडरफुल हैपनिंग इस दिन। और 25 अगस्त को देश की क्या एनर्जी है, भारत की, तो मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई देती है और यहाँ पर किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी दिखाई देती है। ब्यूटिफुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ कोई चीज़ जो है वो सेलिब्रेट होगी 25 को, किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का लीडरशिप, किसी तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी, किसी तरह की नई मशाल का जलना, वो मुझे भारत के लिए नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि भारत की एनर्जीज कहीं ना कहीं मोमेंटम लेकर आएंगी। कहीं किसी जगह पे टेंट लगाना, कहीं किसी जगह पे अपने आप को स्थापित करना, कहीं किसी जगह पे अपनी एनर्जी को स्थापित करना, अपनी विक्ट्री को स्थापित करना, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये बॉर्डर्स पे भी हलचल हो सकती है, ये अदरवाइज कोई बड़ा डिसीजन हो भारत के लिए उसकी भी हो सकती है। कोई लीडर कोई बड़ा डिसीजन लेकर आए, मुझे योगी जी की याद आ रही है इस वक्त, तो कोई लीडर कोई बड़ा डिसीजन लेकर आए उसकी भी एनर्जी हो सकती है। बट कुछ ऐसा होगा जो वेलकम किया जाएगा, जो जिसका स्वागत किया जाएगा, और जो बहुत सारे लोग और करने की कोशिश कर रहे हैं वो पीछे से सिर्फ देखेंगे कि अरे भारत ने कर दिया। तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर देखें वर्ल्ड की एनर्जी या दुनिया की एनर्जी, तो दुनिया की एनर्जी में यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स वेटिंग एनर्जी है और थ्री ऑफ कप्स कनेक्टिंग की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर्स को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि बॉर्डर्स पे हलचल होगी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में बॉर्डर्स पे हलचल हो सकती है, चाइना में स्पेशली, और कुछ नई अलाइंसेस जो हैं कंट्रीज़ की, इंटर कंट्री, वो सामने आ सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं मतलब ये कार्ड्स एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है, 4, 5, 6, 7 की एनर्जी है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं कोई ऐसा वेपन, ऑटोमिक वेपन यूज़ करने की एनर्जी जो है नज़र आ रही है, या फिर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन जो आसमान में होगी उस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। अब देखते हैं गाइडेंस जो है हमारे लिए क्या है। तो गाइडेंस है स्टे कनेक्टेड विद इन, अपने अंतर मन के साथ कनेक्टेड रहिए। जब डिवाइन के साथ आप कनेक्ट करते हैं, अपनी आँखें बंद कीजिए, अपने माइंड को काम कीजिए, और जो भी आंसर्स आपको, जो भी क्वेश्चन ट्रबल कर रहे हैं आपको, उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो अपने अंदर, अपने अंतर मन से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि इस दिन थोड़े से क्वेश्चंस, थॉट्स, आइडियाज, चीज़ें आपको थोड़ा ट्रबल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर, अपने अंतर आत्मा के साथ, अपने अंतर मन के साथ कनेक्टेड हैं तो वो आपको बिल्कुल ट्रबल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सारे जवाब अपने भीतर ही मिल जाएंगे, और अगर वो जवाब मिलते हैं, अगर अपने भीतर आपको आंसर्स मिलते हैं, अगर ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट्स में ज़रूर डालिए, एटलीस्ट 3 लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप खुद टैरो रीडर बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप वीडियोज आर रेजोनेटिंग। थैंक यू, बाय बाय।